अभी बनाएंगे हम कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के लिए शिमला मिर्च हमने काट लिया है और लंबा लंबा, और वैसे ही प्याज हमने काट लिया है, दोनों अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये हाफ शिमला मिर्च और प्याज फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे एक टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधी टी स्पून जीरा पाउडर और दो टी स्पून धनिया पाउडर ये डाल लेंगे, और आधी टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये नमक डाल लिया हमने दो टेस्ट टी स्पून 300 ग्राम पनीर के लिए, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच अदरक और लहसुन का पाउडर ये इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये इस तरह से मसाला फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे दो टमाटर कटा हुआ, इसमें डाल लेंगे, और इसको गैस फास्ट करके टमाटर को मसाले के साथ भून लेंगे। इस तरह से मसाले मिक्स कर लेंगे और इसको 8-10 मिनट के लिए ढक देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये 8-10 मिनट बाद फ्राई पैन से हम ढक्कन हटा लेंगे, और ये टमाटर हाफ गल चुका है, हाफ टमाटर गल चुका है। इसमें डालेंगे हम ये कटी हुई पनीर, ये पनीर डाल लेंगे और इसको इस तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तरह से मसाले के साथ पनीर को मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले के साथ मिक्स करने के बाद कुछ लो गैस पे 5 मिनट तक ढक के पकने देंगे, और कुछ देर बाद ये फ्राई पैन से कवर हटा के इसको चला लेंगे। और चलाने के बाद इसमें आधी टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर, और गरम मसाले को मिक्स कर लेंगे पनीर और ग्रेवी के साथ। और इसको अब 2 मिनट तक ढक के फिर गैस बंद कर देंगे पकने के बाद।